सो हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। सो गाइस, यहाँ पे अगर आपका बजट है कुछ 32 या फिर 33,000 रुपीज़ के अराउंड, तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। यहाँ पे एक अच्छा सा लैपटॉप ढूंढ कर लाया हूँ जो कि आपको कोई नहीं बता रहा है। जी हाँ गाइस, ये एसस की तरफ से आता है और यहाँ पे आप अपने नॉर्मल काम काफ़ी आराम से हैंडल कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह तो काफ़ी आराम से इस पर चला ही सकते हो एंड छोटे मोटे कोडिंग वगैरह भी काफ़ी आराम से इसमें हैंडल हो जाएगा गाइस। सारा कुछ कर सकते हो, बस आपका प्राइस रेंज जो होगा 30 से 33,000 रुपीज़ के अंदर में होगा एंड आपको एक बेस्ट लैपटॉप मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं इसी लैपटॉप के बारे में। सो गाइस, शुरू करने से पहले, यहाँ पे हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो बात करते हैं इसी लैपटॉप के बारे में। तो गाइस, ये है एसस का वीवोबुक 14 2020 वाला वर्जन। इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर आपके स्क्रीन पे होगा। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो गाइस, यहाँ पे बिल्ड आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। पॉलीकार्बोनेट वाली बॉडी दी गई, देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है एंड यहाँ पे आपको स्लेट ग्रे कलर दिया गया है। तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी, एकदम आपको नहीं लगेगा कि 33,000 रुपीज़ का ये लैपटॉप है। अब गाइस, बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहां पे आपको 14 इंच का कॉम्पैक्ट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आता है। एलईडी बैकलाइट यहां पे डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और एंटी ग्लेयर की भी कोटिंग है। 220 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है एंड बेजल्स आपको काफी कम देखने को मिल जाते हैं। तो डिस्प्ले काफी अट्रैक्टिव है, डिस्प्ले से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बात करते गाइस मेन थिंग की, जो कि है इसका प्रोसेसर या फिर परफॉर्मेंस के बारे में। सो गाइस, यहां पे ना आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेगा। एक तो Ryzen 3 3250 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा और एक आपको देखने को मिलेगा इंटेल का i3 10 जेन वाला प्रोसेसर जो कि एक जी सीरीज वाला प्रोसेसर है। सो गाइस, यहां पे Ryzen वाला वेरिएंट का 2000 कम है प्राइस और यहां पे इंटेल वाला का 2000 ज्यादा है, मतलब कि 33 और 31 के आसपास में आपको दोनों ही लैपटॉप के रेंज देखने को मिलेंगे। सो गाइस, दोनों ही आप ले सकते हो, काफी अच्छा यहां पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। दोनों में ही इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलेगी देखने को, तो छोटे मोटे गेम्स काफी आराम से हैंडल कर पाएगा ये। कोडिंग वगैरह सी प्रोग्रामिंग जावा वगैरह काफी आराम से हैंडल कर लेगा। लेकिन गाइस, यहां पे स्टोरेज के बारे में आपको बता देता हूं, तो यहां पे आपको देखने को मिल जाता है 4GB की ऑनबोर्ड रैम जिसको कि 12GB तक यहां पे एक्सपैंड कर सकते हो। साथ ही गाइस, यहां पे आपको 1TB की साडा हार्ड डिस्क देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे खुश हो जाओ क्योंकि M.2 की यहाँ पे आपको स्लॉट देखने को मिल जाती है जिसको कि आप अपग्रेड करके SSD लगा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, 30-32,000 रुपये के लैपटॉप में आपको SSD लगाने का ऑप्शन मिल रहा है गाइस। मतलब कि अभी खरीद लो, फ्यूचर प्रूफ भी ये लैपटॉप बन जाता है। तो इसमें SSD लगा लेना 256GB का, काफ़ी आराम से यहाँ पे ये मक्खन की तरह चलने वाला है। तो इसलिए गाइस, ये लैपटॉप मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे आपको SSD लगाने का भी ऑप्शन दिया गया है। बाकी गाइस, यहाँ पे आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा, HD वेबकैम दिया गया है, तो सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। VGA यहाँ पे कैमरा दिया गया है, उसकी क्वालिटी थोड़ी ठीक ठाक ही देखने को मिलेगी। बाकी गाइस, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन के साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और हाँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 37 वाट आवर की बैटरी। तो यहाँ पे 5 से 6 घंटा का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है, लेकिन 4 से 5 घंटा का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा हैवी यूसेज में। तो ये सारा कुछ है इस लैपटॉप के बारे में। अब गाइस, बात करते हैं ये लैपटॉप आपको क्यों लेना चाहिए। सो गाइस, ये लैपटॉप ना आपको क्यों लेना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका प्राइस ब्रैकेट 30,000 रुपीज़ के अराउंड है तो ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है मार्केट में। मालूम है थोड़ा सा पुराना है, लेकिन गाइस यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिलेगा इस प्राइस रेंज में, क्योंकि बाकी सारे लैपटॉप इस प्राइस रेंज में ऐसा परफॉर्मेंस आपको निकाल कर नहीं दे सकते। और इन दैट एडिशन आपको यहाँ पे SSD का स्लॉट मिल जाता है और 256GB की SSD 5 to 6,000 रुपीज़ के अराउंड में आराम से मिल जाएगी देखने को। तो उसको आप अपग्रेड कर सकते हो इन फ्यूचर और साथ में रैम भी अपग्रेड कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, SSD लगा लोगे तो ये फ्यूचर प्रूफ बन जाएगा एंड आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लेना। सो बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया जरूर से लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। सो गाइस, मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।